अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी ड्राइव विद डिजी लैंड में एक नए मसले के साथ हम हाजिर हैं। मसला मैं इस तरह कहूँगा कि जनाब, जो लोग भी इसके सब्सक्राइबर चैनल के या जिन तक ये वीडियो पहुँच रही है, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि जी, मैं रियल टाइम या रियल जो लोगों के मसले या उनके सवाल होते हैं उसके हिसाब से ये वीडियो बनाता हूँ। उसमें मैं उनको जो मेरे इल्म के मुताबिक जो चीज़ें बनती हैं उसके मुताबिक मशवरा देता हूँ। और अगर किसी भाई को भी मेरे मशवरे में अगर कोई और बात एडिशन डालनी हो तो आप कमेंट में इस वीडियो में डालें। इसके अलावा जनाब, मैं रोज़ इसमें मेरे पास काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हैं अभी जो इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा, तो इसमें मैं रोज़ाना आप लोगों के साथ शेयर करूँगा वीडियोस, और उसमें तमाम आपकी रहनुमाई की जाएगी कि 2017 या आसपास हमने घर बनाने हैं। इसके अलावा तमीरात से लेकर हर चीज़ में आपकी जो भी सवाल होंगे उनके जवाब दिए जाएंगे। सो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट जो भी वीडियो आपको मिल जाए। मुझे एक साहब ने कहा कि आप अपने घर की जो है आपने सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट है वो मुझे दे दें, मैं एडिट करके सबमिट करवा देता हूँ, तो मेरे 15-20 हज़ार रुपया बच जाएगा। तो मैंने उनसे कहा कि जी, ये आप जुल्म ना करें अपने ऊपर। जब आप माशाल्लाह से जब आप घर बनाने जा रहे हैं तो आपको दिल बड़ा करना होता है। सॉइल टेस्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। सॉइल टेस्टिंग की इम्पॉर्टेंस इस तरह से है कि आप अगर ए ब्लॉक से लेकर जी ब्लॉक तक चले जाएँ तो ये तमाम के तमाम एक ज़रई ज़मीन है 2017 जिसके ऊपर बना हुआ है, और ये सॉरी और ये ज़रई ज़मीन के अंदर आप समझें कि आप ज़मीन की खुदाई करें तो ये मिट्टी ही निकलती है। यानी कि आप अगर खुदाई करते सैंपल लेना शुरू करते हैं तो आपको इसमें रॉक कोई नहीं नज़र आएगी। आप ये तकरीबन देख लें, सामने ये पहाड़ियाँ सी छोटी हैं, तकरीबन 20 से 25 फीट तक ऊँची हैं। मैं इसके करीब ले जाके आपको दिखाता हूँ इन पहाड़ियों पे अगर आप देखेंगे कहीं कोई पत्थर नहीं नज़र आ रहा, ये सिर्फ मिट्टी है। सॉइल टेस्टिंग जियोलॉजिस्ट से हम करवाते हैं, इसका मेन मकसद ये होता है कि आपकी ज़मीन की स्ट्रेंथ का पता चले कि इसके ऊपर कितना आपने लोड डालना है, और सॉइल टेस्टिंग में आपको ये पता चल जाएगा कि आपका स्ट्रक्चरल डायग्राम किस तरह बनेगी। अगर आप इस चीज़ को खातिर में नहीं लाते हैं तो यकीन जाने ये आप अपने साथ एक जुआ खेल रहे हैं। इस सोसाइटी के अंदर और इसके अलावा भी बहुत सी जगहों पर जहाँ सॉइल टेस्टिंग ज़रूरी है वहाँ लोगों ने इनको इग्नोर किया चीज़ों को, तो उनके घरों में बाकायदा क्रैक्स आए हैं। मैं किसी टाइम पे आपको वो क्रैक्स भी दिखाऊंगा। उन क्रैक्स से हुआ यह है कि उनकी अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू ख़राब हुई है, उनका नुकसान हुआ है। अब देखिए इसको ज़रा, इसमें कहीं पे भी कोई पत्थर नहीं नज़र आ रहा है ज़मीन में, तो इसका मतलब है सॉइल टेस्टिंग आपके लिए मैंडेटरी है। आप जब घर बनाते हैं, ये ज़रिए ज़मीन मैंने बताया है, जब बारिश वगैरह होती है आसपास की, जिस तरह भी ये घर बने हुए हैं दूर दूर हैं यहाँ पे, लेकिन आसपास अगर आप देखें इधर क्या है कि जी, बारिश होती है साइडों से भी पानी नीचे जाता है, ज़मीन बैठती है। तो अगर आपने अच्छी फाउंडेशन डालनी है तो उसके लिए सॉइल टेस्टिंग भी बड़ी ज़रूरी है। उसकी रिपोर्ट पर आप अपनी फाउंडेशन की डेप्थ को यानी कि डिफ़ाइन कर लेंगे कि जी आपने कितने फिट नीचे फाउंडेशन डालनी है। अगर आप समझ लें कि जी ये 2 फीट की फाउंडेशन के साथ में घर बना लेंगे, या सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट आप फेक जमा करा देंगे, या आप अपने साथ ज़्यादती करें, तो जनाब अगर आप लोगों की कोई भी क्यूरी है आप मुझे भेजें, कमेंट में लिखें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, दूसरे तक पहुँचाएँ, और आपको समझना होगा सॉइल टेस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।